गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हो गई हूँ रेडी नहा धो के, ये देखिए। और मैंने पहन लिया है साड़ी, बहुत दिनों बाद आज साड़ी पहनी हूँ। उस वाला मेकअप वीडियो किया था मैंने तब साड़ी पहनी थी, मैं उस दिन भी मम्मी का साड़ी पहनी थी और आज फिर मैं मम्मी का साड़ी पहनी हूँ। ये साड़ी कल मम्मी ने मुझे दिया था, पिछला व्लॉग में आप लोगों ने देखे होंगे। और अभी फुल साड़ी नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं सेल्फी कैमरा से वीडियो शूट कर रही हूँ। और हो सकता है जब मैं धागा लपेटूंगी वर पूजा में, वट सावित्री पूजा करने जा रहे हैं ना हम लोग, तो उस टाइम मैं किसी से बोलूंगी वीडियो शूट करने के लिए, तो कोई अगर शूट कर देगा तो फिर आप लोगों को फुल साड़ी देखने को मिल जाएगी। तो अभी तो सेल्फी कैमरा से ही शूट कर रही हूँ। तो कैसे हो आप लोग? और अभी छत पे आई हूँ क्योंकि नीचे ना सब लोग जग गए हैं तो बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, तो नीचे ब्लॉग शूट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं अक्सर छत पे आके शूट किया करती हूँ क्योंकि छत पे शांति होती है और अच्छा भी लगता है। तो मैं आज 4 बजे से ही मतलब नहा धो के रेडी हो रही थी, लेकिन क्या हुआ है 5:30-6 बज रहे हैं अभी और धूप भी निकलने लगा है, 6:30 होने वाला है। तो थोड़ा घर का भी काम था तो मम्मी वही निपटा रही है, इसलिए मम्मी को थोड़ा लेट हो गया, तो मम्मी की वजह से मैं भी वेट कर रही हूँ, बैठ जाती हूँ यहाँ पे। तो मम्मी की वजह से मैं भी वेट कर रही हूँ मैं भी। और आज ना मैं रात भर सोई नहीं हूँ क्योंकि मैंने एलवी किया था, एलवी करने के बाद फिर मैं उस समय 3:30 बज गए थे, उसके बाद पतिदेव से थोड़ा बात हुई थी और फिर मैं 3:30 बजे उठ गई थी। 3:30 बजे उठी, मैं सोई ही नहीं बिल्कुल, तो मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन मैं पूजा करके आऊँगी, पहले पूजा कर लूँ उसके बाद आऊँगी, तो देखा जाएगा क्या करना है। वैसे दोपहर में तो मैं डेली सोती हूँ, तभी मैं रेडी होके बैठी हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरा भाई सोता है छत पे, मच्छरदानी लगा के। तो बस अभी जा रहे हैं हम लोग पूजा करने, और आई होप कि मैं आप लोग को भी ले चलूँगी पूजा करने, वट सावित्री पूजा। और जो जो मेरी तरह लेडीज हैं जो लोग की हुई हैं वट सावित्री पूजा, आज फास्टिंग है जिसका या फिर पूजा करने जा रही हैं, उन सबको हैप्पी वट सावित्री पूजा। वैसे ये मेरा थर्ड है, शादी के बाद थर्ड है ये मेरा, और पतिदेव यहाँ पे है नहीं तो मैं किसकी पूजा करूँगी आज पता नहीं। वीडियो कॉल पे होगी पूजा, देखिए क्या होता है। तो बस अभी चल रहे हैं पूजा करने, पूजा करके आएंगे फिर आप लोग से बात करेंगे। ओके तो गाइस एक चीज़ दिखाना मैं भूल गई थी आप लोगों को, दिखा रही हूँ ठीक है। ये देखिए ये मैंने पहना है यार, गोल्डन कलर की बैंगल, आई लव दिस बैंगल, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ये बैंगल। और ये बैंगल मम्मी ने दिया था रीना के शादी में ही, लेकिन मैं बैंगल लेके आई थी अपने, जो मेरे पास था पहले से चूड़ा और लहठी, तो वही पहनी थी मैं शादी में, ये वाला नहीं पहन पाई थी। तो मैंने सोचा चलो आज वट सावित्री पूजा है तो आज पहन लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी लग रही है ये बैंगल। ये देखिए लव दिस बैंगल। और मैंने नेल कलर भी लगाया है आज, बहुत दिन बाद मैंने मेकअप किया है क्योंकि घर में रहती हूँ तो मैं मेकअप बिल्कुल नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, पागल की तरह घूमते रहती हूँ, बहुत पकाती हूँ ना। चलिए अभी पूजा करने चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करूँगी अब, चलिए अब चलते हैं नीचे। और मैं आज आप लोग को मिलवाने वाली हूँ साक्षी से, साक्षी भी रेडी हो चुकी है हमारे साथ जा रही है वो भी पूजा करने, तो पिंक कलर का फ्रॉक पहनी है वो, बहुत ही प्रीटी लग रही है, मैं मिलवाऊंगी आज आप लोग को उससे भी। चलिए अभी नीचे चलते हैं ठीक है, मम्मी वेट करिए मेरा पूजा करने जाना है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं चौक पे, ये देखिए ये है हमारे चौक जाने का रास्ता। और जो लोग यहाँ के होंगे मतलब मेरे गांव के होंगे, बिहार के होंगे, शायद उनको पता भी होगा कि कौन सा जगह है। तो अभी हम लोग चौक पे जा रहे हैं, हम लोग चौक बोलते हैं, चौराहा है, और यहाँ पे मार्केट लगता है, बहुत अच्छी खासी मार्केट लगती है, बहुत पास है, 5 मिनट की रास्ता है। ये देखिए आगे मेरी मम्मी चल रही है येलो साड़ी में, ऑरेंज कलर की साड़ी में मेरी बगल की भाभी है, और ये पिंक कलर की फ्रॉक में मेरी साक्षी है। तो जो लोग तो चलिए पहुंचते हैं वट वृक्ष के पास जहाँ पे हम लोग वट पूजा करेंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ जमा होती है। देखिए अभी क्या सिचुएशन है आज का तो मुझे पता नहीं है क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो मुझे अभी का कंडीशन नहीं पता कि कैसा होगा। चलिए 5 मिनट में हम लोग पहुँचने ही वाले हैं अब। तो
आ गए हैं हम लोग वट वृक्ष के पास। ये देखिए यहाँ पे सब लोग पूजा कर रहे हैं, सारी औरतें यहाँ पे पूजा कर रही हैं, सब लोग तैयार होके आई हैं, सब लोग बहुत अच्छा लग रहे हैं, धागा लपेट रहे हैं सब लोग वट वृक्ष में। और हम लोग भी अब चलते हैं पूजा करने। वैसे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सुबह का 7 ही बज रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया है। मुझे नहीं लगा था इतना ज़्यादा भीड़ होगा, फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया है आज, क्योंकि वट वृक्ष पूजा है और लगभग सब लोग करते ही हैं। हमारे यहाँ तो सब लोग करते हैं वट वृक्ष पूजा, चाहे वो न्यू शादी वाली औरत हो या फिर मतलब पुरानी शादी हो, सब लोग करते हैं। तो सब लोग अभी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। ये देखिए मेरी मम्मी भी हैं येलो साड़ी में, मम्मी मेरा वेट करी है, मुझे भी बोल रही है धागा लपेटने के लिए, तो मैं भी जा रही हूँ अब धागा लपेटने। मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोग को भी दे देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये पूजा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सब लोग यहाँ पे पूजा करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे वट पूजा होता है, धागा लपेटेंगे हम लोग और पंखा चढ़ाएंगे, जो वो होता है ना तार के पंखा, वो वाला पंखा चढ़ाएंगे हम लोग और पूजा करेंगे। और ये वर का पूजा, वर का जो पत्ता है इसे बाल में लगाते हैं। देखिए सारी औरतों ने बाल में लगाया हुआ है, मैं भी लगाऊंगी अपने बाल में। सब लोग इस तरह से बाल में लगाते हैं और पूजा करते हैं। तो चलिए आप लोग पूजा एंजॉय कीजिए, देखिए आप लोग कैसे करते हैं हम लोग वट सावित्री पूजा। और मुझे लगता है ज़्यादातर औरतें तो करती ही होंगी ना वट सावित्री पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब लोग करते हैं, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ हमारे गाँव में सब लोग करते हैं वट सावित्री पूजा। आप लोग करते हो या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और अगर आप लोग करते हो तो आप लोग किस तरह से करते हो ये भी बताइएगा। और यहाँ पे नई नवेली दुल्हन भी आई हुई हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं देखने के लिए। और नई नवेली दुल्हन को पूजा करते देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है चुनरी ओढ़ के पूजा करना। वैसे मेरे पास भी है मेरा चुनरी, लेकिन मैं नहीं ओढ़ी हूँ, मुझे पता नहीं था कि चुनरी ओढ़ के पूजा करते हैं। अगली बार से मैं भी ओढ़ के पूजा किया करूँगी। तो गाइस चलिए मैं भी पूजा कर लेती हूँ, फिर आप लोग से बात करूँगी। ये देखिए इतना सारा पंखा चढ़ा हुआ है यहाँ पे, सब लोगों ने अपना अपना पंखा यहाँ पे रखा है। कुछ लोग ने यहाँ पे अपने पंखा में नाम भी लिखा हुआ है कि ऐसे उनका पंखा खोए ना, क्योंकि बहुत सारे पंखे हैं ना यहाँ पे। तो मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर आप लोग से बात करूँगी, उसके बाद मैं धागा लपेटूँगी। जिसको जितनी श्रद्धा होती है, जैसे 11 बार, 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार, जिसको जितनी श्रद्धा होती है उतना धागा लपेटता, मतलब उतना फेरी लगाता है वट वृक्ष के पास। तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ, पूजा करके फिर आप लोग से बात करती हूँ। पूजा हो गई है हमारी और यहाँ पे सारी औरतें कथा सुन रही हैं पंडित जी से, तो चलिए हम भी सुन लेते हैं कथा, उसके बाद घर चलेंगे। तो ये देखिए ये है मेरी मम्मी, मैं और मेरी मम्मी किए हुए हैं हमारे घर में, क्योंकि मैं मैरिड हूँ, मम्मी मैरिड है और रीना मैरिड है अब। तो रीना तो अपने ससुराल में है, तो मैं और मम्मी ही मैरिड हैं अभी। तो हम दोनों पूजा करने आए हुए हैं। मम्मी कुछ कुछ मुझसे पूछ रही है कि फ़ोटो ले रही हो या वीडियो ले रही हो, यही सब मम्मी पूछ रही है। अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, थोड़ा देर बाद बात करते हैं, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग आ गए हैं घर, पूजा पाठ हो गई है हमारी। हम लोग सुबह में 6 बजे गए थे, सुबह 6 बजे गए थे हम लोग और आए हैं अभी 9 बज रहे हैं, मतलब 3 घंटे लग गए हम लोग को पूजा करने में। बहुत ज़्यादा भीड़ था आज, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ था कि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना भीड़ होगा, क्योंकि बहुत सुबह निकल गए थे हम लोग। मम्मी ने बोला था कि 7 सुबह हम लोग निकल जाएंगे तो भीड़ कम होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ था। अच्छी तरह से पूजा पाठ हो गई। ये देखें चूड़ी जो मैं पहनी हूँ ना इस बार कर, वो पूरे मेरे हाथ पे लग गया है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, स्पार्कल लग गया है पूरे हाथ पे। और अभी मैं बैठी हूँ अपने भाई के रूम में, खिड़की के पास, खिड़की के पास मैंने मोबाइल रखा है और मैं शूट कर रही हूँ। बहना आई है यहाँ पे, आप तो
बस यही था आज का व्हाट्सएप वित्री पूजा ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छे से वीडियो शूट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि कोई साथ में गया नहीं था। साक्षी गई थी और मैं मम्मी गई थी, तीन लोग गए थे हम लोग। तो साक्षी अभी छोटी है, उसको वीडियो शूट करने नहीं आता है। मैंने उससे बोला था कि साक्षी थोड़ा सा वीडियो शूट कर दोगी क्या, लेकिन वो छोटी बच्ची है ना, उसको उतना समझ में नहीं आता है। वीडियो शूट करने आता है उसको, लेकिन उसके मूड के ऊपर है। उसका मूड होगा तब करेगी, नहीं मूड होगा नहीं करेगी। तो फिर मैं कर नहीं पाई सही से, लेकिन फिर भी मुझसे जितना हुआ मैंने ट्राई किया है। और आई होप आप सबको ये व्हाट्स सावित्री पूजा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, है ना। और आप में से कौन कौन करता है व्हाट्स सावित्री पूजा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं वेट करूँगी आप लोगों का कमेंट का, ठीक है। देखती हूँ कौन कौन करता है। तो इसके बाद क्या करना होता है, पूजा करके आने के बाद पंखा करना होता है अपने हस्बैंड को। लकड़ी की पंखा होती है, रुकिए एक मिनट में दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है पंखा जो अपने हस्बैंड को करते हैं पूजा करने आने के बाद। तो होता भी है नहीं, मैं यहाँ पे हूँ, मैके में हूँ मैं, और वो ससुराल में है, मतलब वो लखनऊ में है। तो अभी से मैं कर दे रही हूँ यहीं से। पतिदेव अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो पतिदेव देखिए मैं आपको पंखा कर रही हूँ, ठीक है। आवाज़ आ रही है नहीं मुझे कमेंट करके बताइएगा। पंखा कर दिया मैंने और अच्छा रहा हमारा, पूजा अच्छे से हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह खाएँगे। तो यही था आज का एक छोटा सा ब्लॉग। बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना ब्लॉग, कितना भी ट्राई करती हूँ कि छोटा ब्लॉग शूट करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आज का ये ब्लॉग तो मैं लंबा नहीं करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ओके, आप लोग अपना ख्याल रखना और मुझे भी याद करते रहना, भूलना मत आप लोग, ठीक है। और वीडियो लाइक क्यों नहीं करते हो आप लोग, लाइक किया करो यार, पैसे नहीं लगते लाइक करने के। तो चलो अब इतना ही, चलते हैं फिर मिलेंगे एक ब्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना ही।